भारतीय महिला हॉकी टीम आज टोक्यो ओलंपिक में इतिहास रचने के इरादे से उतरी है। भारत और ब्रिटेन के बीच कांस्य पदक और तीसरे स्थान के लिए मुकाबला हो रहा है। आज का मुकाबला जीतकर महिला हॉकी टीम भी अपना पहला ओलंपिक मेडल जीतने की कोशिश कर रही है। भारतीय महिला हॉकी टीम की कप्तान रानी रामपाल की अगुवाई वाली टीम से देशवासियों को बड़ी उम्मीदें हैं। भारतीय टीम तीन बार की चैंपियन ऑस्ट्रेलिया को 1-0 से हराकर पहली बार सेमीफाइनल में पहुंचकर अविश्वसनीय प्रदर्शन कर चुकी है। हालांकि सेमीफाइनल में बेल्जियम से उसे हार का सामना करना पड़ा था। टोक्यो ओलंपिक में भारत की मेंस हॉकी टीम ने 41 साल बाद इतिहास रच दिया। भारत की टीम ने जर्मनी को 5-4 से हराया तो पूरे देश में जश्न का माहौल हो गया। पीएम मोदी ने फोन पर टीएम के कप्तान मनप्रीत सिंह से बातचीत के दौरान कहा, आपको बहुत बहुत बधाई, आपने बहुत गजब का काम किया है, पूरा देश नाच रहा है। टोक्यो ओलंपिक में इतिहास बनाने वाली हॉकी टीम के कैप्टन मनप्रीत सिंह ने ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक की तारीफ की है। उन्होंने कहा कि उनके विजन और हौसला अफजाई के बिना ये सपना सच नहीं हो पाता। उन्होंने इस पूरी यात्रा में हमें सपोर्ट किया, पूरी टीम की तरफ से उनको शुक्रिया। ओडिशा सरकार भारत की पुरुष और महिला दोनों हॉकी टीमों की स्पॉन्सर है। भारतीय पहलवान बजरंग पुनिया आज टोक्यो ओलंपिक में अपने मुकाबले में उतरेंगे। बजरंग पुनिया से पूरे देश को पदक की उम्मीद है। बजरंग के परिवार समेत देशवासियों को उम्मीद है कि वो गोल्ड मेडल जरूर जीतेंगे। उनके परिवार और शुभचिंतकों ने उनके पदक जीतने के लिए मंदिर में प्रार्थना की। ओलंपिक में रजत पदक जीतने पर पीएम मोदी ने रवि दहिया और उनके कोच अनिल मान से फोन पर बात कर बधाई दी। प्रधानमंत्री ने बधाई देते हुए कहा कि भारत को उन पर गर्व है और उनकी सफलता पूरे देश को प्रेरित करती है। इसके साथ ही पीएम मोदी ने यह भी कहा कि वो 15 अगस्त को व्यक्तिगत रूप से उन्हें बधाई देने के लिए उत्सुक हैं। ओलंपिक में रजत पदक जीतने के बाद पहलवान रवि दहिया ने कहा है कि मैं देश के लोगों को धन्यवाद देना चाहता हूं, क्योंकि उन्होंने मेरे और मेरे कोच का समर्थन करने के लिए प्रार्थना की। मैं खुश हूं, लेकिन संतुष्ट नहीं, क्योंकि मेरा लक्ष्य सोना था। मैं आगे और बेहतर प्रदर्शन कर देश को गौरवान्वित करने की कोशिश करूंगा। हरियाणा के सीएम मनोहर लाल ने दहिया के सिल्वर मेडल जीतने पर उन्हें बधाई दी और ऐलान किया कि प्रदेश की खेल नीति के मुताबिक दहिया को 4 करोड़ रुपए नगद और क्लास 1 की नौकरी दी जाएगी। रियायती दर पर दहिया को HSVP का प्लॉट भी मिलेगा। इसके अलावा दहिया के गांव नाहरी में आधुनिक सुविधाओं से लैस इंडोर रेसलिंग स्टेडियम बनाने का ऐलान किया। टोक्यो ओलंपिक में कांस्य पदक विजेता पीवी सिंधु का आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में राज्य सरकार की ओर से जोरदार स्वागत किया गया। इस दौरान उन्होंने इस भव्य स्वागत के लिए राज्य सरकार को धन्यवाद दिया और कहा कि मुझे यहां आकर बहुत खुशी हो रही है। मैं अपने माता पिता के शुक्रगुजार हूं, क्योंकि उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया।